नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर समय समय पर प्रामाणिक केसेस लेकर प्रस्तुत होता हूं। आज आपके सामने मैं एक बीमारी के बारे में बात करने आया हूं। इस बीमारी का नाम होता है CSF राइनोरिया या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। इस बीमारी के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो प्रामाणिक केसेस के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बार जानकारी देने हेतु इस बीमारी के बारे में फिर से बता रहा हूं। CSF राइनोरिया या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया एक ऐसा बीमारी है जो अपने ब्रेन में बहने वाले फ्लूइड, जिसके द्वारा ब्रेन अपना नरिशमेंट या अपनी ऊर्जा भी लेता है, वह फ्लूइड किसी कारणवश यदि नाक से बाहर आने लगे तो इस बीमारी का नाम होता है CSF राइनोरिया या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। इसमें कई तरह के कारण होते हैं, ट्रॉमेटिक कॉज, नॉन ट्रॉमेटिक कॉज, कुछ ट्यूमर वगैरह, कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक नाक से पानी आने लगता है। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत तरह के केसेस देखे हैं जिसमें मोस्टली मेरे पास जो आते हैं ट्रॉमेटिक कॉज, और नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में सबसे बड़ा जो कारण होता है जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है वह है स्नेजिंग वगैरह अगर बहुत फ्रिक्वेंट बनी रहे, जैसे कोविड के बाद भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है स्नेजिंग या वायलेंट कफिंग होने की वजह से। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अपने पेशेंट्स में इनवेरिएबली पाया है कि मेंटल स्ट्रेस इस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। अधिकतर पेशेंट जो रिपोर्ट करते हैं कि काफी दिनों से उन्हें सिर दर्द बना हुआ था और अचानक से नाक से एक पानी आने लगा। तो जब इस तरह का पानी पहले आने लगता है तो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जब एक आध बार झटके से गिर जाता है तो पेशेंट चौंक जाता है। पहली बार तो वो इग्नोर करता है, लेकिन उसके बाद जब वो डरता है तब कहीं ENT सर्जन के पास जाता है। तो कुछ लोग जो नहीं जान पाते हैं, जो अनुभवी चिकित्सक नहीं है, वो उसको पहले जुकाम की दवा दे देते हैं। लेकिन अगर एक नाक से पानी आ रहा है, बिना जुकाम के आ रहा है, आगे झुकने पर आ रहा है, तो यह और कोई बीमारी नहीं, सबसे ज्यादा इसमें संभावना होती है CSF राइनोरिया की। ENT डॉक्टर्स आमतौर पर इसको CSF राइनोरिया के क्लिनिकल डायग्नोसिस कर देते हैं, उसके बाद उसका जो फ्लूइड एग्जामिनेशन होता है। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस की बात। तो इसमें पहली बात तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गई, दूसरा मैं एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ कि अगर आप के पास ये बीमारी है और आप जो पानी आ रहा है उसको अगर आप नाक को से जो निकल रहा है उसे अगर आप रुमाल में लेंगे और रुमाल अगर कड़ा हो जाता है तो ये नाक का पानी है, और अगर ये CSF है तो रुमाल आपका कड़ा नहीं होगा अगर ब्रेन का फ्लूइड है। दूसरा, इसका जो केमिकल होता है जो निकलता है, जो उसको आप केमिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, तो जो ग्लूकोज का कंटेंट और प्रोटीन का कंटेंट, एक बीटा ट्रांसफरिन नाम का प्रोटीन होता है, वो ज्यादा आता है। अधिकतर पेशेंट्स में मैंने देखा है कि डॉक्टर्स उनको प्लेन CT के लिए रिफर कर देते हैं और अधिकतर केसेस में यह स्किप हो जाता है। प्लेन CT में आमतौर पर इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है या प्लेन MRI में इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे CT सिस्टेनोग्राफी या MR सिस्टेनोग्राफी कहते हैं। वहां पर स्पाइन में आपको डाई डालकर इसको इंजेक्ट करके और इसका ट्रैक किया जाता है, और जहां से एग्जैक्टली CSF लीक हो रहा है वहां पर देखा जाता है कि, और इसीलिए ये एक्चुअली एलोपैथी में इसलिए देखा जाता है क्योंकि एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर करने के लिए इसको जानना जरूरी होता है कि कहां से ये एग्जैक्टली हो रहा है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज दो तरह से हो सकता है, मेडिसिनल और सर्जिकल। मेडिसिनल में एलोपैथी में डायमॉक्स नाम की टेबलेट होती है जो डायूरेटिक ड्रग है, जो आपकी यूरिन का फ्लो बढ़ा देगी और उसकी वजह से कुछ कुछ पेशेंट में इसमें फायदा भी हो जाता है। जो सर्जिकल है, कभी ओपन सर्जरी तो हालांकि रेयर ही होती है, लेकिन अब तो एंडोस टेक्निक आ गई जिसमें एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होता है। नाक के थ्रू आपके अंदर जाते हैं और एक थाई से मांस का टुकड़ा या फैट लेकर वहां पर चिपका दिया जाता है। लेकिन अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ ऊपर या बहुत वायलेंट स्नीजिंग या कफिंग हुई, तो मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे जिसमें यह सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है और फिर से पानी आने लगता है। होम्योपैथी के द्वारा इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज संभव है और मैंने अपने क्लिनिक बहुत सारे पेशेंट्स को इस बीमारी से निजात दिलाई है। मैं समय की सीमा तो अपने पेशेंट्स को नहीं दे पाता हूँ। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट जिनको सिंगल डे में, एक दिन में फायदा हुआ है, कुछ को महीना दो महीने में, कुछ को 4-6 महीने में फायदा हुआ है। आज जो मैं आपके सामने एक केस दिखाने जा रहा हूँ, यह केस CSF राइनोरिया का, ये अम्बेडकर नगर का है और ये लेडी को पिछले 5-6 महीनों से CSF लीक कर रहा था। मेरे क्लिनिक पे आई हुई तब भी इनको लीक कर रहा था। केस में एक बड़ी खास बात है,
खास बात यह है कि इनके हस्बैंड को जब मालूम चला कि सी एस एफ राइनोरिया है, के जी एम सी में मना कर दिया गया, के जी एम सी में डॉक्टर्स ने कहा एकमात्र उपाय, क्योंकि इनके सी टी सिस्टमोग्राफी में क्लियर कट दिखाई पड़ रहा था बोनी डिफेक्ट है, इनके हस्बैंड को बताया गया कि इसका केवल सर्जरी से उपाय है। आमतौर पर गाँव देहात की महिलाएँ सर्जरी के नाम पर थोड़ा सा डरती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सर्जरी नहीं कराएंगे। इनके हस्बैंड इसके अल्टरनेटिव मेथड खोजने लगे। इन्होंने कुछ मेरे वीडियोस देखे और ये मेरे क्लिनिक पर आए। एक खास बात और है कि ये क्लिनिक पे मेरे आने के पहले आसपास के क्लिनिक आसपास के एरिया में गए, मेरे बारे में पता किया। कुछ लोगों ने इनको भड़काया भी कि बाल से कैसे इलाज हो जाएगा, बाल से कहीं इलाज संभव नहीं है। कुछ मेडिकल स्टोर होम्योपैथी मेडिकल स्टोर वाले ने भी इनको भड़काया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाल से इलाज, फिर भी मेरे पास आए। और ये मेरे पास जो पहली बार आए हैं, ये आए थे मेरे पास 14 अक्टूबर 2022 को। मैंने इनको अपना ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बताया और समझाया कि बाल से इलाज कैसे संभव है। कुछ बातें तो इनको समझ में आई, लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ, ये वापस चले गए। उसके बाद ये दोबारा अपनी वाइफ को लेकर एक महीना तक परेशान रहे और फिर ये मेरे पास 25 नवंबर 2022 में अपनी वाइफ को लेकर आए। उन्होंने कहा कि चलिए बाल से ही इलाज करके एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं। मैंने इनकी पूरी केस हिस्ट्री ली। 22 नवंबर से इनका मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। 15 दिसंबर को मैंने इनकी पावर बढ़ाई, लेकिन उससे भी फायदा ना। फिर 25 दिसंबर को मैंने इनकी एक नई दवाई चेंज की, उससे भी फायदा ना। तो सबसे लास्ट मेडिसिन मैंने 24 जनवरी 2023 को मैंने इनकी यहाँ से मेडिसिन चेंज की और उसके बाद से इनका सीएसएफ आना बंद हो गया। कल दिनांक 12 मई 2023 को मैंने इनका वीडियो कॉल के द्वारा मैंने इनका फिर से हालचाल जानने की कोशिश की, क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो अब सऊदी अरब चले गए हैं अपने रोजी रोजगार के सिलसिले में। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इनको पूरी तरह से फायदा हो गया और फरवरी के बाद से इनको आज तक कोई सीएसएफ लीक नहीं हुआ है। हालांकि इस केस को क्योर कहना साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम सीटी सिस्टमोग्राफी की रिपोर्ट से कन्फर्म ना हो जाए कि वहाँ पर डिफेक्ट क्लियर हो गया है, तब तक हम इसको क्योर नहीं कर सकते। लेकिन क्लिनिकली हम इसको कह सकते हैं कि यह केस क्योर हो चुका है, क्योंकि इनको किसी तरह का सीएसएफ लीक नहीं है। और इन्होंने देखा कि किस तरह से बाल द्वारा, जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा एकदम चमत्कार की तरह इसने इनको काम किया है। आज मैं इनका ट्रीटमेंट बंद कर रहा हूँ और मैंने इनको रिकमेंड कर दिया है कि आप एक जाँच करा लें सीटी सिस्टमोग्राफी और मुझे बताएं। आगे आइए मेरे साथ देखिए यह सीटी सिस्टमोग्राफी का वेल डायग्नोस्ड केस, सीएसएफ राइनोरिया का केस, जहां पर एक क्लियर कट लीकिंग हो रही थी और अब ये पूरी तरह से केस ठीक हो चुका है। क्या होने लगता है इसमें, आपको परेशानी क्या होती है वो बताइए मुझे। परेशानी कुछ नहीं है, खाली पानी गिरता है। किस नाक से? दाहिना नाक से। और अभी झुकेंगे तो गिरेगा? दिखिए, दिखाइए मुझे, हल्का सा झुकी आगे, जब आने वाला होगा तो बताइएगा। तो कभी इसकी सर्जरी नहीं कराया आपने ना अभी? नहीं, सर्जरी नहीं कराया। अच्छा, मगर आपको हम दिखा हां ठीक है, आपने आपको दिखा लें उसके बाद आप देखेंगे। नहीं, सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा जी सर, हम प्रयास करेंगे बिना सर्जरी के ठीक हो जाए। इनको शुगर का भी प्रॉब्लम है ना? शुगर का तो दवा खाते हैं, शुगर कंट्रोल है। शुगर कंट्रोल 135 बची है, चूरा है और ये सब का प्रॉब्लम है। हाँ ये आया, देखिए आपकी नाक से जी। उसके कितने दिन के बाद से चालू हुआ था ये? करीब 6 महीने 7 महीने के बाद। उसके 6-7 महीने के बाद छींक खांसी जुखाम तो नहीं हुआ था बीच में? पहले बहुत जुखाम होता था, जुखाम ठीक हुआ था। वो चीज कैसे ठीक हुआ था? वैसे अपने आप ठीक हो जा रहा। अभी भी वो सब होता है? अब नहीं होता, जब से पानी गिरा था। जब पानी गिरा था। अच्छा,
ठीक है चलने में जो है नाक जम जाता है, जाम हो जाता है कभी कभी। अच्छा अच्छा हाँ पहले ऐसा होता था। ठीक है ठीक है। हाँ कैसी है आपका CSF लीक कैसा है आपका? ठीक है। कितना दिन होगा नहीं आया है आपका CSF? कितना दिन हो गया CSF नहीं आया है आपका? सितंबर से। सितंबर से अच्छा पहले फरवरी से फरवरी से एकदम ठीक हो गया। ठीक है ठीक है बहुत अच्छा। आपके हस्बैंड को जब मेरे पास यहाँ आए थे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बाल से कैसे इलाज हो जाएगा इतना दूर बैठे, और आपको तो एकदम नहीं हो रहा था। जी डॉक्टर साहब। हाँ देखा कैसे ठीक हुआ ये बीमारी। चमत्कार बात है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सचा चेहरा सामने करिए। हाँ नजमा हेलो। आप ही है नजमा ना? हाँ तो कैसा है आपका CSF का लीक? ठीक है डॉक्टर साहब। एकदम कंप्लीट ठीक हो गया। अब आपको आगे झुकने उकने पे भी नहीं आता है? नहीं। अच्छा फरवरी सर्दी जो कम हो रहा है। हाँ हाँ दिन हाँ नहीं तो वो तो दूसरा चीज है ना, सर्दी जुकाम से नाक के पानी और CSF बस बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ चले जी। सफलता मिला तो अभी आपका इलाज जारी रखे कि बंद कर दें? पानी लेकिन आप कोर्स भर कहीं नहीं तो कोर्स भर तो हो गया, कोर्स भर तो पूरा हो गया। 6 महीना आपका? 6 महीना हो गया। हाँ 6 महीना हो गया आपका। आपको न बात नहीं रही डॉक्टर साहब? नहीं कोई बात तो ना रही। अब अगर चाहे तो एक तो जांच कराए लें, जो ना आपका CT सिस्टर्नोग्राफी जो जांच हुआ था ना वही वाली जांच एक बार फिर से करा लीजिए तो पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है अभी। हाँ या लखनऊ आइएगा तो मैं आपकी जांच यहाँ पे करा दूँ। ठीक ठीक है। तो आज से फिर हम आपका आज हो गया तारीख 12 मई 2022 हम आपका इलाज फिर आज से बंद कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। 12 मई 2023 हाँ ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे इस तरह के कई सारे मेडिकल डिजीज के मैं ज्ञानवर्धक और प्रमाणिक केसेस के सहित केसेस प्रस्तुत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है, आप यहाँ आकर दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है तो आप क्लिनिक की वेबसाइट हमारी विजिट करें raviclinic.com और वहां से एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर जूम कॉल के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।